महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम, बोलो सीताराम। मैं दूर से ही पल पल का आनंद ले रही थी, इतने में माँ अपना चेहरा घुमाकर इधर उधर देखने लगी। जैसे ही उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो उन्होंने अपने गले से माला उतारी और मेरी ओर फेंकते हुए बोली, सेवक का स्थान सबसे ऊंचा होता है। फिर माँ ने मुझे आ कहकर अपने पास बुलाया और मेरे दोनों हाथ थाम कर मुझे गंगा जी में स्नान कराया। उस दिन अकेली मम्मी ही कुंभ के पावन स्नान से वंचित रह गई थी। मम्मी के पैर में प्लास्टर चढ़ा होने के कारण वह स्नान के लिए संगम तक नहीं आ पाई थीं। स्नान कर हम लोग वापस अपने शिविर में पहुँचे ही थे कि माँ मुझसे बोली, जा गाड़ी स्टार्ट कर और मम्मी को स्नान करा ला। माँ के शब्द सुनकर मैं जैसे हक्की बक्की रह गई। स्नान के 3 दिन पहले ही से ही प्रशासन द्वारा मेला क्षेत्र में किसी भी वाहन का चलना प्रतिबंधित किया हुआ था। पूरे परिसर में ऊंचे टावरों से रोशनी के द्वारा निगरानी रखी जा रही थी। उनमें से एक टावर तो हमारे कैंप के बाहर ही लगा हुआ था। उस दिन कुंभ का मुख्य पर्व होने के कारण भीड़ का रेला चला आ रहा था। उस भीड़ के बीच में कार कैसे चला सकती थी। माँ फिर बोली, जहाँ भी गंगा जी पास में हो वहाँ जाना, जल्दी जा। हमेशा की तरह माँ की आज्ञा सर्वोपरि थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मेरे साथ 2-4 लोग और भी वहाँ आ गए। मम्मी के पैर के ऊपर चढ़े प्लास्टर पर पानी के बचाव के लिए अच्छी तरह प्लास्टिक लपेटकर उन्हें गाड़ी में बैठाया गया। जैसे ही अशरफी लाल ने कैंप का दरवाज़ा खोला तो मैंने विंडो स्क्रीन से ऊपर देखा कि सामने लगे टावर पर पुलिस गार्ड उस समय वहाँ नहीं था। गाड़ी में बाहर आते ही देखा तो सड़क पर सन्नाटा था, केवल गिने चुने व्यक्ति ही दिखाई दे रहे थे। उस समय यह दूसरी कृष्ण लीला लगी। वासुदेव जी जब नवजाति कृष्ण जी को कारागार से ले जा रहे थे तो कारागार के कपाट स्वतः खुल गए थे। द्वारपालों को नींद आ गई थी और यमुना जी ने राह बना दी थी। जल्दी से गाड़ी चलाते हुए हम गंगा जी के तट पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर मम्मी ने स्नान किया और गंगा माँ की 9 रत्नों से पूजा की। उसके बाद मैंने मम्मी को शॉल उड़ाकर गाड़ी में बैठा लिया। जैसे ही मैंने गाड़ी घुमाई थी ऐसा लगा फटक का द्वार खुल गया और इसके साथ ही वहाँ पर लोगों की भीड़ टूट पड़ी। भीड़ से निकलकर टावर में गार्ड के लौटने से पहले ही हम लोग अपने शिविर में पहुँच गए थे। माँ उस ठंडी रात में अपने टेंट के बाहर खड़ी थी। पहली बार श्री वृंदावन धाम जाने का सौभाग्य मुझे 80 के दशक के मध्य में मिला। माँ के साथ की जाने वाली वह मेरी पहली ट्रेन यात्रा थी और उस यात्रा का एक अपना आनंद था जो मुझे हमेशा याद रहेगा। उन दिनों काठगोदाम स्टेशन से एक ही ट्रेन आगरा फोर्ट एक्सप्रेस मथुरा से होकर जाती थी। माँ ट्रेन के प्रस्थान के समय से काफ़ी पहले ही काठगोदाम स्टेशन पहुँच जाती थी और माँ के स्टेशन पहुँचते ही माँ भक्तों का आगमन भी शुरू हो जाता था। माँ की उपस्थिति में स्टेशन का यात्री प्रतीक्षालय कक्ष कुछ ही देर में एक सत्संग हॉल का रूप ले लेता था। ट्रेन भी प्रस्थान के निर्धारित समय से पूर्व काठगोदाम स्टेशन के प्लेटफार्म पर लग जाती थी।
उन दिनों की ट्रेन आज की आधुनिक ट्रेनों जैसी नहीं होती थी। आगरा फोर्ट नाम की यह ट्रेन छोटी लाइन पर चलती थी और उसके पुराने डिब्बे काठ की एक गाड़ी जैसे लगते थे। आगे एक स्टीम इंजन होता था जो धुएं के काले बादल जैसे उड़ाते हुए जाता था। ट्रेन की रफ्तार भी तेज नहीं होती थी और ना ही उसमें कोई वातानुकूलित डिब्बा था। बोगी की लगभग सभी सीट माँ के साथ यात्रा करने वालों के लिए आरक्षित थी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय। जय बोलो सिद्धि माता की जय। जय बोलो।